वेलकम स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री ये है लिस्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर टू सॉल्यूशंस के लिए ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर में कोई भी मार्क्स कटने के चांस नहीं होंगे अब मैं आपको इन क्वेश्चनस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी इससे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए और अच्छी तरह से आप समझ कर सकें नंबर वन डिफाइन टर्म मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करनी क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन में ये ईजिली आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलेरिटी विच ऑफ द प्रॉपर्टीज़ प्रेफर ड्यूरिंग डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पर मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म यूज़ होती है और क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है इसलिए मोलैरिटी चेंज होगी मोलेलिटी चेंज नहीं होगी सो so, सो so हम मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू मोलैलिटी क्वेश्चन नंबर थ्रीज लॉ इसके स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह तैयार करनी है हाउ इज केच रिलेटेड टू द टेचर एंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर फोर रोल्स लॉ रोल्स लॉ की डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर टोटल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट तो ये स्टेटमेंट आपको तैयार करना है उसके साथ ही साथ एक्सप्लेन इट इज़ फॉर सोल्यूशंस हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के लिए जो सोल्यूशंस हैं उसको आपको डिटेल में याद करना है ये टू मार्क्स क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डू यू मीन बाय रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ द प्योर कम्पोनेंट प्योर सोल सोलवेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोलूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट इट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है बिकॉज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन सो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है इसलिए ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट इज हायर देन द सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सरफेस पर कुछ मोलिक्यूल्स आ जाते हैं जिससे कि एस्केपिंग मोलिक्यूल्स जो कि वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर कम हो जाता है दैट्स वाई प्योर सोलवेंट हैज हायर वेपर प्रेशर वॉट आर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर्स पे डिपेंड करें नेचर पे डिपेंड ना करें उनको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज्रॉपिक मिक्सचर, कॉन्स्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज एज्रॉपिक मिक्सर्स क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन टर्म मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेन द मोलेलिटी इज वन इज नोन एज द मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट क्वेश्चन नंबर नाइन ए एंड बी सोलूशंस आर मिक्स टूगैदर एंड सोल्यूशन वार्म्स अप वार्म्स अप मीन्स बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड सो देयर विल बी नेगेटिव डेविएशन और इसके बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों है नेगेटिव डेविएशन क्योंकि दो सोल्यूशंस के बीच में जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी रिलीज होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है सोलूशन वार्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर टेन डिफ्रेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस आइडियल सोलूशंस विच फॉलो द राउट्स लॉ एट ऑल कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर प्रेशर बट नॉन आइडियल सोल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ एट एनी अदर कंसनट्रेशन ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस क्वेश्चन नंबर इलेवन वाई दोल्यूशंस शो रेवियशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्योंकि जैसे ही दो लिक्विड्स को दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं उनके बीच में कोई ना कोई फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या फिर बॉन्ड स्प्लिट होते हैं तो बॉन्ड की नेचर चेंज होगी जिससे कि उनके जो टोटल वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में पेपर प्रेशर्स के सम से कम या ज़्यादा हो सकता है और इसीलिए हम इस कह सकते हैं कि डेविएशंस आइडियल बिहेवियर से हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एडिड टू एसीटोन जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं उनके बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी मीन्स की टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एज कम्पेयर टू देयर सम वॉल्यूम वो कैसे होगा कम हो जाएगा और उन मॉलिक्यूल्स के जो तो वेपर प्रेशर है इंडिपेंडेंट स्टेट में ये वेपराइज हो रहे थे लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इनका टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो जाएगा और यहाँ पर होगी नेगेटिव डेविएशन नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिफाइन टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज द एक्सेस प्रेशर विच इज प्रड्यूसड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑसमोसिस और वी कैन से दैट इट इज़ द एक्सप्रेसर विच इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑसमोसिस तो डेफिनेशन याद कर लीजिए विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इट इज नोन एज द रिवर्स ऑसमोसिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई बॉयलिंग पॉइंट ऑफ द सल्यूशन हैविंग नॉन वरेटेज सोल्यूट इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट बॉयलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रेशर ऑन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है जिससे कि उसके वेपर प्रेशर को एटमोसफेरिक प्रेशर तक लाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑन द वन हैंड एन एल इज मिक्सड टू आइस टू फ्रीज द आइस क्रीम ऑन द अदर ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूज टू क्लियर द क्लीन द रोड ड्यूरिंग स्नोफॉल यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि नॉन वोलाटाइज सोल्यूड को मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है जब तो आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम के चारों तरफ का टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं आइस के साथ में सॉल्ट मिलाकर इससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जीरो से भी कम है और उस टाइम पर आइस जो आइसक्रीम होगी वो पिघलेगी नहीं लेकिन जब हम रोड को क्लियर करते हैं आइस जहाँ पर भी स्नोफॉल होता है उस कंडीशन में जब जिस एरिया में हम नमक और सॉल्ट आइस के ऊपर डाल देंगे तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट ज़ीरो से और नीचे हो जाएगा जिससे कि उस टेम्परेचर पर जो आइस है वो पिघल जाएगी और रोड क्लियर हो जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिफाइन टर्म और एबनॉर्मल मोलिकोल मास मास जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पर कैलकुलेट करते हैं तो समटाइम्स ये डिफरेंट होता है एक्चुअल मोलिक्रो मास से इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास वाई एब्नोरमासर्व इट इज ड्यू टू आइदर एसोसिएशन ऑफ मोलिकूल्स और डिसोसिएशन ऑफ मोलिकूल्स तो जैसे ही हम दो सॉल्वेंट्स को मिलाते हैं दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं उनके बीच में एसोसिएशन हो सकता है या फिर डिसोसिएशन हो सकता है जिसके कारण से उनका जो मास है वो एक्चुअल से कम या ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट इज आई फैक्टर आई फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड मास टू मोलिकोमास मोलिकुलर मास नेक्स्ट पॉइंट इज है वट इज विल बी द आई फैक्टर फॉर एन एंड फॉर द के टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्योंकि एन इलेक्ट्रोलाइट -E है और ये एक मोलिक्यूल अगर हम यूज करते हैं तो टू मोलिक्यूल्स बन जाएंगे वन मोल यूज करेंगे तो टू मोल बन जाएंगे मीन्स आई फैक्टर यहाँ पर टू हो गया जबकि के टू एस फोर में के प्लस एंड इसके टू पार आइंस होंगे प्लस सल्फेट एस ओ फोर माइनस टू वन आयन तो टोटल थ्री आयन होंगे इसका आई फैक्टर थ्री होगा क्योंकि आई फैक्टर होता है नंबर ऑफ आइंस आफ्टर द सोल्यूशन फॉर्मेशन मीन्स एसोसिएशन और डिसोशिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द रिएक्शन बिफोर द एसोसिएशन और डिसोशिएशन एन ए सी एल में मोलिक्स बढ़ रहे हैं और वो है टू सो वैल्यू होगी टू बाय वन इक्वल टू टू के टू एस एफ फोर में होगी वैल्यू थ्री इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन टेन एम एल ऑफ ए इज मिक्स विद टेन एम एल ऑफ बी द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स नाइनटीन पॉइंट नाइन एम एल मीन्स वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है मीन्स मोलिकूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर होगी नेगेटिव डेविएशन एग्जाम्पल के साथ इसको दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से सॉल्व करके आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ रीजिंग डिप्रेशन इन सोल्यूशन ऑफ एन एसियल ग्लूकोज एंड ए एल सेल थ्री यहाँ आप ध्यान रखेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा क्योंकि ग्लूकोज में नंबर वन पार्टिकल है केवल एन में टू है ए एल में सबसे ज़्यादा है सो so यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा ए एल का और ज़्यादा होगा ग्लूकोज का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मैंशन लार्ज स्केल यूज ऑफ द ऑस्मोसिस इस ऑस्मोसिस का यूज होता है रिमूवल ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर और साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास के लिए और इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास क्योंकि जो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कंपेरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ईजीली मेजर कर सकते हैं डिटर्मिन कर सकते हैं नंबर ट्वेंटी टू थ्री परसेंट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक टू फोर परसेंट सोल्यूशन ऑफ द अननोन सोल्यूशन यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो मीन्स पाई वन इज इक्वल टू पाई टू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई वन इज इक्वल टू पाई टू और दैट विल बी इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ सी वन दैट इज थ्री परसेंट सोल्यूशन एंड सी टू दैट इज फोर परसेंट सोल्यूशन तो कंसनट्रेशन के केस में थर्टी मोल पर लीटर इक्वल टू फोर्टी मोल पर लीटर सो इसको हम लेते हुए मोल्स की वैल्यू पुट करते हुए यानी कि थर्टी डिवाइड बाई मोलिक्रोमास ग्लूकोज इक्वल टू फोर्टी डिवाइडेड मास ऑफ अननोन सोल्यूशन इससे हम उसका वोलिकुलो मास कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस की हेल्प के लिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आई फैक्टर और अगर आपको ये सब फार्मूले लर्न होंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं All the best.